अमेरिका और इसराइल के रिश्तों पर ट्रंप सरकार के एक फैसले का बड़ा असर पड़ सकता है। खबर के अनुसार अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने इसराइल के एक अरबपति कारोबारी से जुड़ी 14 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कारोबारी पर मानवाधिकार के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक इजरायली कारोबारी डैन गर्टलर से संबद्ध 14 कंपनियों को दंडित किया गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि गर्टलर पर कांगो में खनन और तेल समझौते में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन प्रतिबंधों के तहत अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में आने वाली इन कंपनियों की सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी। ये कंपनियां अमेरिकी कंपनियों या किसी अमेरिकी नागरिक से किसी तरह का कारोबार नहीं कर पाएंगी। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में गर्टलर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। बता दें, अमेरिका इसराइल का बड़ा रणनीतिक पार्टनर है। हाल ही में ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी दूतावास को इसराइल के तेल अवीव से यरूशलम में शिफ्ट कर दिया गया है। ट्रंप की इस कार्रवाई का पूरी दुनिया ने विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा रहा। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। अब देखना होगा कि अमेरिका द्वारा इसराइली कंपनी पर बड़ी कार्रवाई के बाद अमेरिका और इसराइल के संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है।